नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का ये खास कार्यक्रम हमारा है हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर। हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर आखिर आपसे रूबरू होने का मौका क्यों आया, आखिर क्यों हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर इस समय पूरे राजस्थान में गहमा गहमी बनी हुई। देखिए इस समय देश के कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर सरकार की ओर से बड़ी कवायद की जा रही है। राजस्थान भी इन राज्यों में से एक है। हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर इस समय लोग कतार में लगे हुए हैं, लगातार वह ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के संपर्क में आके भी वो हाई सिक्योरिटी प्लेट बना रहे हैं। लेकिन आज आपसे रूबरू होने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर जो फेक नंबर प्लेट आ रही हैं उनसे आपको सावधान रहना है। इस समय मार्केट में इतने लोग फैल गए हैं जो लोगों से महज कुछ ही घंटों में नंबर प्लेट दिलाने का झांसा दे रहे हैं और उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। द नगरी मीडिया की टीम जब धरातल पर पहुंची तो कुछ ऐसा ही पाया, यानी कि जो बातें हमारे पास लगातार आ रही थी उनमें सच्चाई नजर आई। किसी भी दलाल के द्वारा महज 300 से लेके 500 रुपए में मोटर बाइक की नंबर प्लेट दी जा रही है। इसके साथ ही 500 से लेके 800 रुपए में कार की जो नंबर प्लेट है वह दी जा रही है, और ये नंबर प्लेट महज 2 से 3 घंटे में बनाकर उनके द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही इस नंबर प्लेट पर जो इंडिया है IND वो भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो हॉलग्राम है वो भी उस पर चिपका हुआ है, और जो नंबरों की फॉन्ट साइज है जो RTO की ओर से निर्धारित की गई है वह भी उसमें लगे हुए हैं। फिर अंतर क्या रहा कि RTO जो नंबर प्लेट दे रहा है वो सही है या ये सही है? तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको इस नंबर प्लेट में किस तरीके से अंतर करना है। देखिए इस समय जो RTO की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी प्लेट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आपको पेमेंट करने के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ ही आपके नियर बाय कोई भी, चाहे वो बाइक का शोरूम हो, कार का शोरूम हो, वहां पर आपको टाइम स्लॉट है वह दिया जाएगा। इसमें लगभग 15 से 20 दिन का समय उनके द्वारा लिया जाता है और आप उस टाइम स्लॉट में जाकर अपनी नंबर प्लेट चेंज करवा लीजिए। लेकिन अब ये जो फेक नंबर प्लेट बनाई जा रही है इसमें अंतर कैसे करें, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं हैं कि इसमें फेक को कैसे आइडेंटिफाई करें या ओरिजिनल को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ओरिजिनल कौन सी है, उसकी पहचान कैसे करें। इन वीडियो में कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा इन नंबर प्लेट्स को। आप ये नंबर प्लेट देख रहे हैं, इन गाड़ियों में इस नंबर प्लेट पर जो गाड़ी के नंबर हैं, जो भी XYZ गाड़ी के नंबर हैं वे लिखे हुए। अब इन नंबरों से ठीक पहले आप देखिए कि नीले रंग में IND लिखा हुआ है और उसके जस्ट ऊपर एक हॉलग्राम चिपका हुआ है जो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है। अब इस IND के पास में या नीचे आप देखिए एक डिजिट लिखी हुई है, आपको नजर आ रही होगी 9 नंबर या 10 नंबर की एक डिजिट आपको नजर आ रही होगी। स्टार्टिंग में कुछ अल्फाबेट्स भी नजर आ रहे होंगे, यानी कि ये हाई सिक्योरिटी प्लेट एकदम ऑथेंटिक है। ये जो RTO है उसके द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक नंबर प्लेट है। अब जो फेक नंबर प्लेट है उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये नंबर प्लेट जो देख रहे हैं इसमें देखिए कि नंबर लिखे हुए हैं, फॉन्ट साइज बराबर है, नंबरों से ठीक पहले IND भी लिखा हुआ है और ऊपर हॉलग्राम भी चिपका हुआ है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है।
लेकिन इस नंबर प्लेट में कहीं पर भी वो जो डिजिट है नंबर की, यानी कि एक अगर दूसरे शब्दों में कहें कि एक नंबर प्लेट की आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी इस नंबर प्लेट में नहीं है, यानी कि ये नंबर प्लेट फेक है। आप ये नंबर प्लेट किसी भी दुकान पर जाकर, चाहे चौड़ा रास्ता हो चाहे MI रोड हो, वहां जाकर महज 100 से 150 रुपए में बनवा सकते हैं। लेकिन सरकार के जो नियम हैं, RTO की जो गाइडलाइन है, उसमें ये नंबर प्लेट फिट नहीं बैठती है। तो आप ऐसे जालसाजों से बचकर रहिए, क्योंकि ये जालसाज इस समय पूरे राजस्थान में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। महज कुछ ही रुपए में और कुछ ही घंटों में नंबर प्लेट देने का झांसा दे रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी भी यहाँ की जा रही है। सरकार की ओर से अभी तक इस हेराफेरी को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन लोगों को खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि 31 जुलाई तक आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अपने वाहन पर लगवाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दुपहिया वाहन चालक पर पहली बार में 2000 का जुर्माना, तो दूसरी बार में 5000 का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही जो चौपहिया वाहन चालक हैं, उनका पहली बार में 5000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार में 10000 रुपये जुर्माना कटेगा। तो ऐसे में जागरूक बनिए, जल्द से जल्द RTO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक में अपना संपूर्ण डाटा फिल कीजिए और अपनी जो डेट है नंबर प्लेट लगवाने की उसको फिक्स कीजिए। ऐसे जालसाजों से बचिए। नगरी मीडिया आपसे भी ये अपील करता है कि आप ऐसे जालसाजों से बचकर रहिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी जेब काट रहे हैं, साथ ही आपको गुनाह का भागीदार भी बना रहे हैं। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं हूँ ललित वर्मा।